हेलो दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, डेली करेंट अफेयर्स विद एक्सप्लेनेशन। अजंता नियोग बनी असम राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री। अजंता नियोग गोलाघाट में 5 बार विधायक बन चुकी है। असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बसवा शर्मा ने उन महिला विधायक का नाम वित्त मंत्री के लिए दिया था। निकोय ने गोवा घाटी विश्वविद्यालय से कानून स्नातक की डिग्री ली है। वर्ष 1996 में उन्होंने राजनीति में पैर रखा। वर्ष 2020 में वो असम के पीडब्ल्यूडी विभाग का कार्यभार संभाल रही थी। गुंजन साहब बने बाटा इंडिया कंपनी के नई CEO। फुटवेयर कंपनी बाटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में गुंजन साहब को नियुक्त किया गया, जो कि अगले 5 वर्षों के लिए बाटा इंडिया के CEO रहेंगे। गुंजन साहब बाटा इंडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कटारिया की जगह लेंगे। गुंजन शाह इससे पहले ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी थे। वही बाटा इंडिया के पूर्व मुख्य अधिकारी कार्यकारी संदीप कटारिया ने बाटा ब्राइट्स के ग्लोबल CEO के रूप में नियुक्त किया गया। न्यूजीलैंड में होगा आयोजित महिला रग्बी विश्व कप 2020। न्यूजीलैंड देश में महिला रग्बी विश्व कप 2020 आयोजित किया जाएगा। महिला रग्बी विश्व कप 2022 में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी। 18 सितंबर से 16 अक्टूबर 2021 को आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट को कोरोना वायरस के कारण अगले वर्ष के लिए टाल दिया गया है। अब यह टूर्नामेंट 8 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 के बीच आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को 5 दिनों के विश्राम का समय देने के लिए 35 दिनों के बजाय 43 दिन का कर दिया गया है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई 2021। हर साल 16 मई को भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को डेंगू से बचने और उससे निपटने के उपायों के बारे में जागरूक कराने के लिए हर साल मनाया जाता है। डेंगू मादा मच्छर के काटने से फैलता है, जिसमें मुख्य 4 अलग अलग सीरोटाइप Den1, Den2, Den3 और Den4 के वायरस पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश से भेजे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने 60 ऑक्सीजन कंसेंट्रेट। इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्माता कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में उत्तर प्रदेश राज्य में 60 ऑक्सीजन कंसेंट्रेट मुहैया कराए। इन 60 ऑक्सीजन कंसेंट्रेट को उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कंपनी ने दिए हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य योगी आदित्यनाथ। चीन का जुरोग रोवर पहुंचा मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक। चीन देश ने मंगल ग्रह की सतह पर अपना जुरोग रोवर सफलतापूर्वक लैंड कराया। चीन के इस जुरोग रोवर का कुल वजन 529 पाउंड है, यानी 240 किलो। जुरोग रोवर में 6 अलग अलग तरह की दैनिक उपकरण लगाए गए हैं, जो कि मंगल ग्रह पर मौजूद अहम जानकारी को चीन के स्पेस स्टेशन पर मुहैया कराएंगे। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की मुद्रा रेनमिनबी, चीन के वर्तमान प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। अमेजॉन ने लॉन्च की निशुल्क वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा मिनी टीवी। पॉपुलर ई कॉमर्स साइट अमेजॉन ने निशुल्क वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा मिनी टीवी सेवा लॉन्च की, जिस पर बिना सब्सक्रिप्शन के अपने मनपसंद कंटेंट देख सकते हैं, जिसमें फ्री वेब सीरीज, फ्री कॉमेडी शोज, फ्री टेक न्यूज, फूड, फैशन और ब्यूटी समेत ढेरों कंटेंट है। अमेजॉन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में। अमेजॉन कंपनी के CEO जेफ बेजोस। राफेल नडाल ने जीता 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। राफेल नडाल ने 10वीं बार इटालियन ओपन टूर्नामेंट खिताब जीता। उन्होंने यह खिताब नोविक जोकोविच को हराकर जीता है। राफेल नडाल ने 10वीं इटालियन ओपन टूर्नामेंट जीतकर अपना 36वां ATP मास्टर 1000 का ताज भी अपने नाम किया। वही महिला वर्ग में पोलिस किशोरी ईगा स्वीटेक ने कैरोलिन प्लिसकोवा को हराकर इटालियन ओपन 2021 का खिताब जीता। गणितज्ञ MS नरसिम्हन का हुआ निधन। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ एवं प्रोफेसर MS
नरसिम्हन का हुआ निधन, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय भी थे। एम एस नरसिम्हन लोयोला कॉलेज चेन्नई और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। इसके अलावा एम एस नरसिम्हन ने मुंबई विश्वविद्यालय से पीएचडी भी की थी। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 17 से 23 मई, 6वां संयुक्त राष्ट्रीय वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 17 से 23 मई को मनाया गया। यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक WHO द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान है। 6ठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सुरक्षा सप्ताह 2021 की थीम स्टेटस फॉर लाइफ रखी गई है। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य लोगों के प्रति दुनिया भर में रोड सेफ्टी को बढ़ावा देना है। WHO की स्थापना कब की गई? 1949 में। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। WHO के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस अदनोम।